मैं तो आ गया रे वाकती मारा नाश कर दिया वो दिले जब सब सौदाई बिक गया तो हमारा क्या रहा है हमारे पास जमीन जब माई बिक गई हमारी तो क्या रह गया हमारे पास है ये तो बता जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं भाई। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा मैन ने एक बार कहूंगा घुमा के दिखा दे एक बार भाई निडाणा गांव के अंदर हमारी टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं भाई जो राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था कि भाई खड़ी फसल मतलब पहले तो ये बयान दिया था कि गेहूँ खाने के गेहूँ राकन है अपने खाने के गेहूँ राकन है अपने बाकी गेहूँ हम आग लगा देंगे उसी प्रक्रिया चल रही है भाई। तो यह तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर का मालिक तो बातचीत करांगे भाई देख सको राम राम भाई भाई साहब राम राम। लेकिन हमने डेढ़ सौ डेढ़ सौ किले पाने हैं हम आड़े खेती करते नहीं संसद में बैठांगे उड़े जाए खेती करांगे हमारे लिए बहुत बुरा कर दिया भाई। एक बात तो सुनो नू भी कम है एक भाई गरीब आदमी ने बांट दियो गरीब आदमी ने बांट देंगे भाई गरीबान क्या करेंगे हम खुद गरीब रहे हमारे पास रहे हैं गरीबान क्यों बांटेंगे क्या करेंगे गरीबान बांट के मोदी बांटो गरीबान बांटा है तो हमें देश के अंदाता मारी बिरयानी माटी कर दी हमने पचानवे दिन हो गया उड़ा पड़े पड़े ने हम रहेंगे तो संसद में जावेंगे ही में और उनकी तोड़ देंगे वोटरान भी आने वाले टाइम पर आग लगा देंगे लेकिन सारे खेत में बागे जाओगे डेढ़ सौ किले बात ले रखे इस भाई निर्मन ना रहे सारे ने बागे एक भी किला नहीं छोटांगे महाराज रोना हुआ आंसू हुआ आख्या में हम सारी सारी रात रो आ रहे हैं माया मर तो गया रे तो बाकी मारा नाश कर दिया बहुत दिले देख सको ये किसान भावुक हो गया ये रोकड़ ना करे हैं ये रोकड़ ना करे भाई किसान भाग के दिखा दे भाई एक बार ये देखने नुगे लग रहे घुमा के दिखा दे कैमरा मैन कहूंगा रुकण का नाम नहीं ले रहे रोकड़ का प्रयास कर रहे हैं किसान लेकिन बार बार एक बात कह रहे हैं हम अपने सारे किला ने भाई सुनो एक बार इन तो रोक ले एक बार ये बताओ बात है भाई इनका दर्द भी है ये मानना भी कोनी भाई कैमरा मैन ने कहूंगा घुमा के दिखा दे भाई हमने पहले भी रोकने का प्रयास किया लेकिन हम दिखावा कौन कर दे हम सच्चाई यह है कि ये भावेंगे भाई ये चन्नू कहते रात ने हमने बाने आओ डेढ़ सौ किला भावेंगे महाराज मोदी ने इतना दर्द कर रखा हमने रात ने नींद नहीं आंदी भाई महाराज वो पचानवे दिन में आंदोलन बता दे काले पीले हो लिए मरले भूखे भाखे लेकिन महाराज संतुष्टि नहीं है हम अपने फसल ने बाह के रूढ़े बैठांगे दिल्ली में लेकिन कोई रास्ता नहीं मारे लिए और सुनो देखो बार बार राकेश टिकैत ने भी नुका देखो उस उन्हें नुकाया भाई मेरे तो मतलब यो नहीं था नुकाने का भाई खड़ी फसल ना बाद नुका है भाई जो पक जन के तो उन्हें दान दिए थे गौशाला में राकेश टिकैत जी बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन बढ़िया जवाब है उसका लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं हो रही हम सरकार को गेहूँ नहीं देंगे हम अपने गेहूँ आने बागे और बिल्कुल ही मतलब संसद में बैठांगे उड़े जागे बैठांगे हमारा केट के तन मन धन साथ हाँ और मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन अपने उल्टे नहीं हटांगे तीन कानून जब तक वापिस नहीं लेगा तो चाहे तीन साल चलो चाहे दस साल चलो लेकिन छोड़े नहीं गए हम इस कानून से बिल्कुल ही मतलब पीछे खिलाफत में हाँ बिल्कुल भाई कैमरा मैन कहूंगा एक बार घुमा के दिखा दे एक एकड़ लगभग क्योंकि दिखाना चाहूंगा मैं एक एकड़ तो इस किसान ने या अपनी जो फसल है या कच्ची है काट भी दी और बुआ भी दी दिखाना चाहूंगा कैमरा मैन ने भाई साहब इस डेढ़ सौ किले बाने हैं एक एकड़ नहीं हमने सारे बाण लाग रहे हैं और तम भाई चले जाओ कोई फायदा नहीं ये सारे बाण देखो आप कैमरा घुमा के दे लो ये सारे बाने हैं बिल्कुल सारे गेहूँ बाने हैं एक भी किला खाली नहीं रखेंगे हमें सब दिल्ली रहना है और कोई काम नहीं क्यों खड़े सूख जिंग नाइन को कटाना हुआ हम तो अपनी उड़े बैठांगे हमारा कोई संभाल नहीं है नू भी बर्बाद होने हैं लेकिन हम उड़े बॉर्डर पर नू सोच रहे हमारा गेहूँ गेहूँ नहीं है वह हम आराम से बैठांगे उड़े बिल्कुल भाई भावुक हो गए हैं किसान आप देख सकते हैं बिल्कुल इनकी आत्मा रोने लग रही है और बार बार एक बात कह रहे हैं भाई कानून रद्द नहीं कर दे इतना अच्छा मेहनत दे क्योंकि सरकार ने एक बात कही थी भाई फसल कटने का टाइम आ गया तो किसान ही तो मतलब पीछे हट जाएंगे लेकिन किसानों ने पहले राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे खाने खाने के राके भाई किसान पहले कच्चे के मान बांध लागे
भाई साहब क्या लगा फिर ऐसे में कुछ समाधान है नुमे? भाई समाधान तो होगा कि ना होगा बाद की बात है, दबाव जरूर बनेगा। कितने देश ने खुआ यू मोदी, कितने ले आओगा विदेश में दह के कर लेगा। महाराज जो सा फर्ज हम करांगे वो, ये अपने देख ले भाई हैं दो तीन अपने यारे प्यारे, डेढ़ सौ किले बाद दबले रहे हैं, पचास इनके खुद हैं सौ बाद दबले रहे हैं, तो इनका वो भी खर्चा हो रहा फसल का। पहले बात दादे वो आदमी फिर फसल पर खर्चा करा, कितना खर्चा हुआ, ये बेकने वो भी नहीं है, बेकेंगे तो आगे बाढ़ के खाओगे के करेंगे, या जमीन हुए जानी रह गया डाणी वडाणी आ गए, तो फिर रिश्ता अच्छा तो अपना नुह बहेगा उड़े बैठ जावा, और कोई चारा नहीं हमारे दूर। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, प्रयास भी कर रहे हैं आप रोकने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे भाई, चाहे रोको चाहे ना रोको, लेकिन ये नुनू कहें भाई हम तो चरा आतन बाने हम तो बावेंगे। अगले क्या करें, मरता हो किसान क्या करेगा, यही करेगा, ये तो बोल रहे हैं हम तो खान खाने का एक एकड़ रखेंगे और सारे को बा देंगे, हमें क्या करना, सब सौदा भी जब सब सौदा ही बिकी गया तो हमारा क्या रहा है, हमारे पास जमीन जब माँ ही बिकी गई हमारी तो क्या रहेगा हमारे पास है, ये तो बताओ, जो हमारी जन्म देने वाली धरती माता है यही लोग, यही मोदी ने अंबानी अंडानी का गिरवी रख दी, तो हमारे पास क्या रहेगा ये तो बताओ आप, तो हम डरते हुए क्या करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, कई जने का बीजेपी जड़गी तोड़गी भाई, वो कानून वापिस लेंदी कौन है भाई, ये तो अंग्रेज वाली चाल है, अंग्रेजा की तरह है, जैसे अंग्रेज आए थे दो चार व्यापारी आए थे उसने पूरा भारत गुलाम कर लिया था, इसी तरह ये बीजेपी पार्टी है, ये पूरे भारत को गुलाम करनी है, अडानी वडानी का गुलाम कर देगी हर पूरी, मतलब जमीन को अपने पहले ये वादा पे लेगी, फिर ठेके पे लेगी, फिर डिजिटल अपनी दवाई दूर बट्टे दे के उनको कर्ज में रह के उनकी जमीन को अपने कब्जा में लेने की स्कीम है, लेकिन इनका और रेल बेच दी और हर कंपनी बेच दी उनसे नहीं भरया, तो अभी जमींदार का पीछे पड़ गई है ये सरकार, लेकिन जमींदार मर जाएगा कट जाएगा, अपनी जमीन को नहीं जाने देगा, यही मेरा कहना है। बिल्कुल देख सको भाई, किसानों के अंदर जो गुस्सा है वो जायज है, लेकिन बार बार अपील भी की जा रही है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि आप अपनी फसल को इस प्रकार से बर्बाद न करें, लेकिन किसान फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, या आप देख सकते हैं नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं किसान भाई, हम भी प्रयास नहीं करें क्योंकि अपनी इच्छा से जब अपनी खेती को बर्बाद करने लग रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई हम तो आंदोलन में अपनी एक आहुति डाल रहे हैं भाई, लेकिन आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिए, क्या ऐसा करना किसानों का उचित है या गलत है, आप अपनी राय जरूर बताइए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। हम भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से बार बार एक अपील करते हैं कि आप अपनी फसल को इस प्रकार से बर्बाद न करें, लेकिन किसान क्या करे, किसान मजबूर है, आज बेबस है, बार बार एक बात कह रहा है कि हम तो मजबूर और लाचार होकर के अपनी फसल को बर्बाद करने लग रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।